like a Hellcat. Hello guys, this is Ahmed Hussain. I hope you all are doing good and we are also good. आज जो है वो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़िशिंग लाइन के अंदर जो फ़िशिंग कर रहे हैं और जो है वो शिकारी मौजूद हैं, तो वो आपको बताने का मकसद ये है इस वीडियो में कि वो भी इंटरनेशनल लेवल की फ़िशिंग करते हैं और जो है वो हमारे समंदर के अंदर जिस तरीके का और जिस किस्म का जो है वो शिकार मौजूद है उस हवाले से जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज जो है मैं पाकिस्तान के कराची के जो है वो बहुत ही मारूफ एंगलर हैं फ़हीम भाई से जो है वो आपका जो है वो तारुफ़ करवाता हूँ। और अगर ये बात जो है कहूँ मैं आपसे कि कराची में फ़हीम भाई जो है अगर फ़िशिंग लाइन के अंदर अगर लीजेंड है तो वो गलत नहीं होगा। तो फ़हीम भाई जो है वो हमारे उस्ताद भी हैं, उन्होंने जो है वो हमें फ़िशिंग सिखाई भी है और मैं उम्मीद करता हूँ फ़हीम भाई मेरे भी उस्ताद हैं, अहमद के भी उस्ताद हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है फ़हीम भाई से हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे और इस वीडियो के थ्रू जो है आपको भी इंशाल्लाह जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बताएं कि जो है वो आपने फ़िशिंग कैसे स्टार्ट करी और इसका शौक़ आपको कैसे आया और जो है अब ये आपका जो है वो इसमें आपकी दिलचस्पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो अस्सलामुअलैकुम। फ़िशिंग का शौक़ ये समझ लें कि मेरे नाना जाते थे फ्रेश वाटर की फ़िशिंग पे, तो उनके साथ जाता था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत कभी छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ ली। नाना तो फ़िशिंग करते थे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं होता था, बस वो एक स्टिक दे देते थे और उसमें छोटी सी डोर डाल के हम उसी में पकड़ के खुश होते थे। तो बस वहाँ से ये फ़िशिंग का शौक़ मेरे अंदर भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि फ़्रेश वाटर की भी फ़िशिंग की है और साल्ट वाटर पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। फ़हीम भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो कि नए एंगलर्स के लिए भी जो है बहुत लर्निंग होगा, आप लोग इसको गौर से सुने। आपके बिहाफ पे मैं ये फ़हीम भाई से सवाल कर रहा हूँ। फ़हीम भाई, हमारे यहाँ समंदर जो है कराची में, इसमें कौन से महीने में किस किस्म की फ़िशिंग होती है, या एक एक ही तरीके की फ़िशिंग है जो कि पूरे साल चलती रहती है, या इसमें कुछ डिफरेंस है? मतलब ऐसा है कि किसी महीने में अलग फ़िशिंग है, किसी महीने में अलग फ़िशिंग है? थोड़ा सा इस हवाले से हमें गाइड करें और हमारे एंगलर्स को भी गाइड करें। जाहिर सी बात है कि हर सीज़न में अलग अलग फ़िशिंग के स्टाइल होते हैं। बेशक मछलियाँ एक जैसी ही आती हैं लेकिन स्टाइल चेंज हो जाते हैं। लाइक कि आप जब गर्मी के सीज़न में खुसूसन में ट्रॉलिंग पे जा रहे होते हैं तो वेव्स के ऊपर से मछलियाँ आ रही होती हैं, उसमें ज़्यादा डेप्थ में हमें अपने लोअर वगैरह नहीं छोड़ने पड़ते, ऊपर से मछलियाँ स्ट्राइक कर रही होती हैं, इस वजह से उसकी फ़िशिंग अलग हो रही होती है। लेकिन उसके बरक्स जब हम सर्दियों में फ़िशिंग करते हैं वो बिल्कुल चेंज है। अब ऊपर मछलियाँ नहीं होती हैं ड्यू टू टेम्परेचर, मछलियाँ बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, तो उसमें फ़िशिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। अब स्टाइल बहुत है हमारी फ़िशिंग में, कुछ कमर्शियल हैं, कुछ हमारे शिकार जो हैंडलाइन से हो रही होती है, कुछ स्पोर्ट्स फ़िशिंग में हो रही होती है, तो स्टाइल बहुत है हमारे पास फ़िशिंग के। अच्छा, इन शॉर्ट मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सी फ़िशिंग, किस टाइप की फ़िशिंग किस महीनों में होती है, नए लोगों को समझाने के लिए, मुझे पता ही एक ऐसा ख़जाना है कि इसमें डिक्शनरी है जिसमें हम घुसेंगे तो नहीं समझ नहीं आएगी, लेकिन जस्ट फिंगर टिप्स पर लेने के लिए कौन सी फ़िशिंग किस मंथ में होती है वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। हाँ देखें, जैसे हमारी हैंडलाइन की फ़िशिंग है ना, तो वो तो ऑलमोस्ट हर पूरे साल चल रही होती है, बस ये 3-4 महीने जो समंदर बहुत उरूज पे होता है तो उसमें बंद हो जाती है, वरना अदरवाइज वो चल ही रही होती है। महीने भी बता दें, महीने भी। हाँ ऑलमोस्ट के ये मई जून जुलाई अगस्त, बस ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हैंडलाइन की फ़िशिंग नहीं हो रही होती है, बाकी तो आपके 8 महीने हैंडलाइन की फ़िशिंग चल रही होती है। बाकी जो स्पोर्ट्स फिशिंग में आता है जिसमें ट्रॉलिंग, जिगिंग, कास्टिंग वगैरह ये सब, तो कास्टिंग के लिए हम ज़्यादातर जो सिलेक्टेड महीने हैं वो तेज़ पानी के महीने हैं, लाइक के मई जून जुलाई अगस्त, वो इसमें कास्टिंग ज़्यादा अच्छी होती है। क्या शोर से, शोर कास्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बोट कास्टिंग की बात नहीं कर रहा। शोर कास्टिंग हम लोग इसी वक्त कर रहे होते हैं क्योंकि वेव्स जो है वो बिल्कुल किनारे तक आ रही होती हैं और बड़ी मछलियाँ भी आती हैं किनारे पर। बाकी जो हमारे ट्रॉलिंग का है वो हम सर्दियों के महीने में ट्रॉलिंग नहीं करते क्योंकि ट्रॉलिंग के लोअर्स वो ऊपर चल रहे होते हैं
और इस वजह से हम सर्दी में नहीं करते क्योंकि सर्दियों में जो मछलियाँ हैं वो नीचे चली जाती हैं, तो सर्दियों के लिए हम उसका फ़िशिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। हम वो एक तारू का मेथड है वो इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। ये जो है जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता है जुलाई के बाद अगस्त के बाद जो है अब फ़िशिंग स्टार्ट होती है दोबारा से, तो इस वक्त और इस वक्त से सर्दियाँ आने तक हम कौन से टाइप की फ़िशिंग कर सकते हैं? इसमें ज़्यादातर हम हैंडलाइन, तो मैंने आपको बताया कि वो पूरे साल ही हो रही होती है, उसमें तो वो अलग ही बात है, लेकिन जो क्या नाम है ट्रॉलिंग का है उसमें कि जब अगस्त के बाद फ़ौरन सीज़न स्टार्ट होता है तो ये समझ लें कि उस वक्त पीक टाइम हो रहा होता है, लेकिन ये है कि समंदर आपको टाइम बहुत कम देता है क्योंकि वेव्स ज़्यादा होती हैं और समंदर बहुत ज़्यादा जोश में भी होता है, तो टाइम कम मिलता है, लेकिन इसमें स्ट्राइक बहुत अच्छी होती हैं। अमूमन बड़ी स्ट्राइक्स इसमें मिलती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर मिलती हैं, एटलीस्ट क्या है ये समझ लें कि जो हमारे 2 मीटर के लूअर्स होते हैं ना वो इस वक्त बहुत अफेक्टेड होते हैं। फिर जैसे जैसे समंदर ठंडा होता जाता है फिर वो डेप्थ हमें बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, ये जो है फिर मिसाल के तौर पे अगस्त से जो है वो ट्रॉलिंग स्टार्ट हो गई और सितंबर से चली, और फिर ये ट्रॉलिंग कब तक चलती है, और इसके बाद जो आप बता रहे हैं तारू, और ये तारू कौन से टाइप की फ़िशिंग होती है और फिर ये कब से स्टार्ट हो जाती है? देखिए, ट्रॉलिंग का जहाँ तक मामला है तो ये एक वाटर टेम्परेचर है 26 और 27 डिग्री पे, जब ये यहाँ पहुँचता है वाटर टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट हमारा ट्रॉलिंग का सीज़न ऑफ हो जाता है। उसके बाद हमारे तारू का सीज़न स्टार्ट होता है जिसको हम फ्लैट लाइन फिशिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसमें फ़िशिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है, फ़िशिंग का स्टाइल इस वजह से चेंज हो जाता है कि हम बोट रोक के फिर फिशिंग कर रहे होते हैं लाइक के जैसे बॉटम फिशिंग करते हैं, लेकिन इसमें स्टाइल चेंज होता है बिल्कुल फ़िशिंग का। इसमें हमें बेट लगानी पड़ती है और उसका स्टाइल अलग अलग है, फिर हमें उसमें छेट करनी पड़ती है, उसका स्टाइल है, और ये बिल्कुल अलग सिनेरियो। इसका महीने बस इन शॉर्ट बताएं तो महीने कौन से हैं इसके, कौन से उसमें तारू अच्छा होता है? इसके लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लाइक ये जो है ना पीक टाइम होता है इसका। अच्छा, ये दिसंबर, ये 3 महीने तकरीबन नवंबर के बाद से जो है वो इसमें चले गए, और इसके बाद जो है वो अगर हम फेब में खड़े हैं और फेब के बाद से फिर हमारा कौन सा मेथड स्टार्ट हो जाता है? फेब से दोबारा नॉर्मल हम रूटीन पर आ जाते हैं क्योंकि समंदर में वेव्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लहरें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और लाइक हमारी जो हवा आती है एक शुमाल की हवा वो प्रॉपर लगना स्टार्ट हो जाती है, जब शुमाल की हवा लग जाती है तो हमारी ट्रॉलिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा इससे बड़ा शिकार खेलना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को जो है वो इनहेंस करना चाहते हैं और बोट में फ़िशिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको ये बताएं कि हम बोट में कहाँ कहाँ से जा सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं कराची या कराची के सराउंडिंग में जहाँ से हम जाएँ ईज़िली उनको बोट मिल जाए और वो वहाँ से जाके फ़िशिंग करें। आप समझें कि आप ये बिल्कुल नए लोगों को बता रहे हैं, उनको कुछ भी फ़िशिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप उनको 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताएं कि जहाँ से इजीली बोट मिल जाए वो जाएं बोट हायर करें और वहाँ से फ़िशिंग करें। तो आप स्टार्ट करें जहाँ सबसे जाना आसान है और उसके बाद आखिर तक जाएंगे जहाँ सबसे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हमारे कराची में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ ईज़िली बोट अवेलेबल होती है हर किसी के लिए, लाइक कि हमारा किमाड़ी है, तो किमाड़ी से एक कमर्शियल बोट चलती हैं जो आई थिंक 500 पर हेड लेती है और हर बंदे को लेके जाती है, उसमें बंदा करीब जाके फ़िशिंग कर लेता है। अब जब उससे हम हट के ऊपर निकलते हैं तो हम चले जाते हैं अब्दुल रहमान बोट, जहाँ पर सुबह से शाम तक का शिकार हो रहा होता है, जो ईज़िली बोट वहाँ पर अवेलेबल होती है, हर किसी की रेंज में भी होती है वो, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सुनहरा, जहाँ पर नाइट बॉटम की फ़िशिंग होती है, तो वहाँ से क्योंकि वो पैसे कम चार्ज लेते हैं तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन में फिर वो हो जाता है। फिर जब हम ट्रॉलिंग पे जा रहे होते हैं तो उसके लिए हमारा मुबारक विलेज है, जहाँ पर होड़े होते हैं जो हमें ट्रॉलिंग वगैरह करवाते हैं, जो प्रॉपर गाइड भी करते हैं वहाँ के नाकवा। और उसके बाद जब उससे ऊपर के लेवल पर जा रहे होते हैं, लाइक कि जब हम किमाड़ी से एक बोट हायर कर रहे होते हैं, वो थोड़े से चार्जेस उसके ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि वो डीप फिशिंग में जा रही होती है, और यानी कि हम और क्या नाम है इंशोर को छोड़ के ऑफशोर की तरफ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर किमाड़ी से बोट हायर करके जाते हैं। अच्छा, आपने अभी इंशोर और ऑफशोर वर्ड यूज़ किया है, अब हमारे न्यू जो है बिल्कुल एंगलर व्यूअर्स हैं, इनको थोड़ा सा इसके बारे में भी एक जस्ट डिटेल्ड आप शॉर्ट डिटेल दें कि इंशोर और ऑफशोर फिशिंग क्या होती है। इंशोर में हमारे ये कि बहुत जो
करीब का हिस्सा आता है, ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसकी डेप हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंश्योर। इसको एक आम लफ्ज़ों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंश्योर का मतलब ये है कि जिसकी डेप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ जाना ईजी होता है, उसके चार्जेस भी कम होते हैं। और जो ऑफशोर है जिसकी हमें डेप की कैलकुलेशन का नहीं मालूम होता कि कहाँ पे कौन सी डेप है, और वहाँ ये कि वहाँ पर स्ट्राइक्स बड़ी होती हैं, मछलियों का साइज़ बड़ा होता है, स्पेशल स्पीस के लिए हम वहाँ जा रहे होते हैं, लाइक के बड़ी टूना हो गई, बड़ी मर्लिन्स वगैरह हो गई ये। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो आप गाइड करें कि मैंग्रूव्स के हवाले से, क्योंकि ये भी एक पॉपुलर फिशिंग है, बहुत सारे लोग स्टार्ट ही मैंग्रूव से करते हैं, जैसे कि आपने हमें स्टार्ट भी मैंग्रूव से करवाया था, पहली बार आप मैंग्रूव में लेके गए थे, और जब से जो है वो फिर हम लोगों ने जो है मुसलसल जाना शुरू किया। तो आप मैंग्रूव्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से अगर कोई बंदा बिगनर है और नया नया बोट की तरफ जाना चाहता है, तो क्योंकि कुछ लोग डरते हैं वेव्स से और इस तरीके से, तो उनको आप गाइड करेंगे मैंग्रूव में किस तरीके से जा सकता है और वो किस तरीके से सेफ फिशिंग हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग डरते हैं ना कि बोट में हमें वॉमिटिंग हो जाएगी या सी सिकनेस, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बोलते हैं यार पेट भर के नहीं खाओ वरना वॉमिट हो जाएगा, ये नहीं करो वो नहीं करो, भाई आप सब करो, पेट भर के खाया करो, क्योंकि जब कि पेट खाली रहेगा ना तो ही आपको वॉमिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और अल्लाह ना करे अगर आपको वॉमिट हो भी जाता है, तो सबसे पहले तो वही है समंदर के पानी सब कुल्ली कर लें, अंदर मत ले लीजिएगा, अल्लाह के वास्ते अंदर मत ले लीजिएगा, सिर्फ कुल्ली कर लें, आप बिल्कुल बेटर फील करेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है ये मैंग्रोव फिशिंग की, तो इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है, ऐसा कि आप बोट में घूम सकते हैं, कम्फर्टेबल कहीं भी जा सकते हैं, और ये उसमें एक नॉर्मल साइज़ की मछलियाँ लग रही होती हैं और मज़ा आता है ऐसी फिशिंग में। जैसा कि अभी फैज़ान ने बताया भी था कि ये फ़र्स्ट ट्रिप इसका मेरे साथ मैंग्रोव में ही हुआ है, और बहुत मज़ा आता है इस फिशिंग में, नो डाउट के वाकई, क्योंकि आप इसमें बोट में कंफर्टेबल आप खा सकते हैं, पी सकते हैं बिला किसी मसले के। भाई अभी जो है वो व्यूअर्स जो है वो आपकी एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें जो है वो आपको सुरमई जो है वो उसका स्ट्राइक हुई और आपने जो है बड़ी मेहनत करके उसको करीब तक बोट के लेकर आए, और फिर जो है वो जब उसके ऊपर जो है वो आंकड़ा जब मार रहे थे तो वो निकल गई, तो आपने उस पर हमें बताया था कि ये जो है फ़िश पे जो है वो फाउल हुक पर आई थी, और ये फाउल हुक क्या चीज़ होती है जो है वो मैं भी जानना चाहूँगा और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। असल में पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरा वो फ़र्स्ट ट्रॉलिंग का ट्रिप था जिसमें ये स्ट्राइक हुई थी, और बड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि मुझे उस वक्त रॉड भी सही से पकड़ना नहीं आती थी, और क्योंकि वीडियो में आप अगर गौर से देखें तो वो चीज़ नज़र आएगी कि जो रील और रॉड है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो रही थी मेरे हाथ से, लेकिन फिर भी किसी तरह कोशिश करके वो मैं करीब तो लेके आ गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के मिस हुक की वजह से वो मछली ज़ाया हो गई। असल में हुआ ये था कि उसको फाउल हुक हुआ था, जो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फाउल हुक हुआ, वो जब नाकवा उसने जब बताया कि फाउल हुक है, तब मुझे पता था कि फाउल हुक भी कोई चीज़ है, वरना मुझे तो फाउल हुक का पता ही नहीं था कि फाउल हुक होता क्या। ये फाउल हुक होता क्या है, मतलब किस तरह से जो है वो आप उसको बयान करेंगे? फाउल हुक को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्ट्राइक होती है अमूमन मछली वो लूअर को पूरा पकड़ती है और मुंह के अंदर से हुक होता है, लेकिन फाउल हुक वो है जो मछली के मुंह के अंदर से हुक ना हो, बाहर आउटसाइड से कहीं भी हो जाए, लाइक के जैसे वो सुरमई थी उसके सर के ऊपर से यहाँ हुक हुआ था, और सिर्फ एक कांटा, जो तिगारा जिसे हम कहते हैं उसमें तीन कांटे होते हैं, उसमें सिर्फ एक कांटा उसके सर के ऊपर लगा हुआ था। सही। और बड़े मुश्किल से वो करीब तो आ गई थी, लेकिन बस वो आना नहीं था बोट पे, तो वो मछली ज़ाया हो गई। ज़ाया भी इस वजह से हुई कि जब उसको गैफ मारा गया तो वो गैफ मछली को हिट नहीं हुआ, वो डायरेक्ट लोअर को हिट हुआ, और लोअर जो है वो उसके सर से बाहर निकल गया। अच्छा फहीम भाई, माशाल्लाह से जो है वो आपने जो है वो बहुत सारी मछलियाँ अभी तक पकड़ी हैं, और व्यूवर्स जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है आपके जितने भी कैचेस हैं वो शेयर कर रहे हैं हम लोग, तो ये बताएं कि आपका अब आने वाले सीजन्स में और इस सीज़न में जो है वो ड्रीम कैच क्या होगा? सबसे पहले तो मैं एक बताऊँ कि जो हैंडलाइन पर मुझे नाइट बॉटम पर एक संग्रह लगा था, जो तवक्को नहीं थी मुझे, क्योंकि हम लोग वहाँ छोटे हीरे पकड़ रहे थे, तो छोटे नॉर्मल साइज़ के हीरे थे 1 kg तक के, तो उसमें बारीक लाइन इस्तेमाल हो रही थी, लाइक 25 LBS की लाइन थी, और 10 नंबर का हुक इस्तेमाल कर रहे थे,
उस पर डेड बेट पे हम लोग फिशिंग कर रहे थे, तो अचानक बीच में ये कोबिया की स्ट्राइक हो गई। अब मुझे तो समझ में नहीं आया फर्स्ट टाइम कि हुआ क्या। तो खैर इसको इसने बहुत दूर ठीक ठाक लाइन के ले गया और तकरीबन 45 मिनट की फाइट हुई है। इसने बोट के मुझे तकरीबन 5 से 6 चक्कर लगवा दिए पूरे। उसके बाद जब ये कोबिया सामने आया था तो मुझे पता चला कि कोबिया लगा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने लाना था बोट पे और वो पहले गैफ में ही ऊपर आ गया। तो ये मेरे लाइफ का एक ड्रीम कैच इसको मैं बोल सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये कैच। बाकी मोस्टली एंगलर का के एक चीज़ है मर्लिन, जो हर किसी हर एंगलर का ड्रीम कैच है, ऑब्वियसली मेरा भी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है और अल्लाह से दुआ भी है कि नेक्स्ट सीज़न में इससे ट्रिप पे जाऊँ, और बस अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह ताला नवाज दे। इंशाल्लाह ज़रूर आप मार्लिन पकड़ेंगे और जो है वो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई एक आखिरी सवाल आपसे, अभी शिकारियों की मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो नया शिकार शुरू करते हैं वो उसी में खुश रहते हैं, वो सारी ज़िंदगी एक ही फॉर्मेट की फ़िशिंग करते रह जाते हैं। जो दो तरीके से खेल रहे हैं वो वही एक एक हाथ के बराबर ब्रीम पकड़ते हैं और सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजार देते हैं। आप थोड़ा मोटिवेट करें कि आपने आज तक माशाल्लाह से इतने अरसे से फ़िशिंग कर रहे हैं, सबसे हैवीएस्ट कैच जो आपका है उसकी पिक्चर भी आपको अभी दिख जाएगी, आपके स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, हैवीएस्ट कैच जो फहीम भाई ने पकड़ा है उसका आप वेट बताएं। 28 केजी का सेंगरा है जो लास्ट सीज़न में जहाँ तक मुझे याद है कि मई के महीने में मुझे वो लगा था, जो 28 केजी का सेंगरा था, और वो ऑलमोस्ट के 14 मिनट्स की वीडियो है, उसके बाद वो सेंगरा लैंड हुआ था। चलें फहीम भाई बहुत शुक्रिया आपका जो है वो आपने आज हमें टाइम दिया, और जो है वो दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो आगे भी जो है वो हमारी और आपकी जो है वो दोस्ती और जो है वो हम आपसे जो सीखते हैं उसका सिलसिला जो है वो जारी रखें, और जो है वो अपने व्यूवर्स को भी जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी इसके अलावा फहीम भाई एक आखिरी जो है वो मैसेज जो है वो आप कन्वे करें कि जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो कर दीजिएगा। भाई ये हमारे अहमद भाई का चैनल है, जिसको आप देखें, वीडियो को लाइक भी करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अलॉट। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।